सो हाय एवरीवन, दोस्तों आप सबका फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने अगर आपकी किसी भी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है तो कैसे आप उसको डिस्प्यूट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी काफ़ी सारी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेकंड चैनल है, मैंने एक चैनल ऐसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए बनाया था क्योंकि काफ़ी सारे बंदों के मेरे पास इंस्टाग्राम पर मैसेज आ रहे थे कि भाई हम अपने चैनल पर हमारे चैनल पर सिर्फ और सिर्फ डिस्प्यूट का ऑप्शन आ रहा है, ऐसे में हम डिस्प्यूट कैसे करें। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो है ना आप जिस भी वीडियो पर आपकी कॉपीराइट क्लेम आया है तो यहां पर आप देख सकते हो इस वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम है, तो यहां पर आपको सबसे पहले कॉपीराइट क्लेम पर ही क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाए, तो यहां पर आपको सी डिटेल पर क्लिक कर देना है। जिसे आप सी डिटेल पर क्लिक कर देते हो उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है आपका। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर मैंने इस पर ऑलरेडी यहां पर आप देख सकते हो डिस्प्यूट अंडर रिव्यू, ठीक है। तो यहां पर मैंने ऑलरेडी यहां पर इस पर कर दिया है। अब यहां पर मैं आपको सेकंड वीडियो पर करके दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर ये रही वीडियो, तो यहां पर हम इस पर क्लिक करते हैं कॉपीराइट क्लेम पर। तो गाइस जिसे आप कॉपीराइट क्लेम पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहां पर आपको सी डिटेल पर क्लिक कर देना है। जिसे आप सी डिटेल पर क्लिक कर देते हो उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर आपको करना क्या होता है, यहां पर आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना होता है। उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहां पर आपको चार ऑप्शन मिलते हैं, पहला है ट्रिम आउट सेगमेंट, और दूसरा है रिप्लेस सॉन्ग, और तीसरे नंबर पर म्यूट सॉन्ग, और चौथे नंबर पर डिस्प्यूट। यहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आ रही है, काफी सारे बंदों को यह प्रॉब्लम आ रही है कि ऊपर के तीन ऑप्शन उनको दिखाई नहीं देते हैं, यहां पर उनको डिस्प्यूट का ऑप्शन मिलता है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो ऐसे में वो लोग क्या कर सकते हैं, उनको सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि डिस्प्यूट करें, ठीक है। तो ऐसे में डिस्प्यूट कैसे करें, तो गाइस यहां पर आपको डिस्प्यूट करने के लिए सबसे पहले यहां पर आपको डिस्प्यूट पर क्लिक करना होता है। उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब गाइस यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर आपको सबसे नीचे की तरफ, यहां पर आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है ऊपर की तरफ, यहां पर आपको सबसे नीचे की तरफ चेक मार्क लगाना है और यहां पर आपको कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू कर देंगे, यहां पर हमारा फर्स्ट स्टेप डन हो चुका है। उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब गाइस यहां पर आपको ध्यान रखना है, आपको डिस्प्यूट तभी करना है अगर आपको लगता है कि हमारा ओरिजिनल कंटेंट है, हमने किसी का भी म्यूजिक अपनी वीडियो में यूज नहीं किया है, या फिर आपने किसी का भी वीडियो यूज नहीं किया है, तभी यहां पर आपको डिस्प्यूट करना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। तो गाइस यहां पर आपको करना है कि यहां पर आपको ओरिजिनल कंटेंट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सो गाइस यहां पर आपको सबसे नीचे की तरफ मिलता है द कंटेंट क्लेम्ड इन माय वीडियो इन माय ओरिजिनल, यहां पर आपको चेक मार्क लगा देना है। उसके बाद यहां पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जिसे आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर आप देख सकते हो हमारी थर्ड स्टेप भी डन हो चुकी है, यहां पर हम थर्ड स्टेप पर यहां पर आ चुके हैं। अब गाइस यहां पर आपको करना क्या है, भाई यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो यहां पर लिखा है प्रूफ ऑफ ओनरशिप, ठीक है। तो यहां पर आपको प्रूफ देना पड़ता है, यहां पर आपको कुछ भी यहां पर आपको प्रूफ देना पड़ता है, ठीक है। तो आपको प्रूफ क्या देना है, यहां पर आपको लिख देना है कि भाई मैंने आपको कुछ भी ऐसा यूज नहीं किया है, ये मेरा ओरिजिनल वीडियो, ठीक है। तो यहां पर आपको इंग्लिश में लिखना है, बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या लिखना है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। यहां पर आप जैसे, तो यहां पर मैंने लिख दिया दिस इज माय वीडियो, आई हैव नॉट यूज एनीथिंग ऑफ योर्स इन दिस वीडियो। यहां पर मैंने लिखा है कि यहां पर ये मेरा वीडियो है, मैंने आपका इस वीडियो में कुछ भी यूज नहीं किया है, ठीक है। यहां पर आपको ये चीज जब भी लिखनी है जब आपका ओरिजिनल कंटेंट हो, यानी कि सारा का सारा वीडियो आपका हो, आपको गलती से यहां पर कॉपीराइट क्लेम आ गया हो। अब गाइस यहां पर आपको उसके बाद करना क्या होता है, यहां पर आपको नीचे की तरफ तीन ऑप्शन मिलते हैं, यहां पर आपको तीनों पर चेक मार्क लगा देना है, ठीक है। यहां पर आपको तीनों पर ही चेक मार्क लगा देना है। उसके बाद गाइस यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर लिखा है सिग्नेचर रिक्वायर, ठीक है। तो यहां पर आपको अपने चैनल का नाम डालना होता है, चलिए यहां पर हम अपने चैनल का नाम डाल देते हैं। तो गाइस यहां पर हमने अपने चैनल का नाम डाल दिया है। उसके बाद गाइस यहां पर आपको करना क्या होता है, यहां पर आपको सबसे नीचे की तरफ सबमिट का ऑप्शन मिलता है, तो सिंपली आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जिसे आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे उसके बाद गाइस यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो डिस्प्यूट सबमिट, आपको जिस भी बंदे ने कॉपीराइट क्लेम दिया होगा ना, अगर वो 30 दिन के अंदर साबित नहीं करता है कि आपकी वीडियो में उसका मटेरियल है, अगर उस पर साबित नहीं होता है तो आपकी वीडियो से 30 दिन के बाद ये कॉपीराइट क्लेम हट जाएगा। और दोस्तों जब आपका ओरिजिनल कंटेंट होगा तो ऐसे में वो बंदा साबित कर ही नहीं पाएगा कि आपने उसका कुछ यूज किया है और आपका कॉपीराइट क्लेम हट जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तो के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर।